गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होगे। जिन लोगों का कल प्री क्वालिफाई हुआ होगा वो आप जरूर प्रैक्टिस कर रहे होगे मेंस के लिए और काफ़ी हद तक मेहनत भी कर रहे होगे। मैंने भी एक मॉक टेस्ट देके देखा क्लर्क की, पेड वाली टेस्ट बुक की। रीज़न बहुत सिंपल है, मेरा पीओ का है। मैं कहा भाई प्रैक्टिस करनी है तो चाहे क्लर्क हो या पीओ, क्या फ़र्क पड़ता है, बस मॉक टेस्ट देते रहो। तो मैंने देख दिया मॉक टेस्ट, तो मेरा स्कोर जो है 100 बना है, रैंक 615 है। अप्रॉक्सीमेटली 18,000 लोगों ने पेपर दिया है। खैर, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कैसा पेपर आता है, आपने तो 2 साल से दिया। भाई मैं 2 साल दिया, 19 में और 20 में, तो मुझे पता है कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है क्लर्क का वो कैसा रहता है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि एकदम हाई लेवल मॉक टेस्ट बिल्कुल ट्राई मत करना। सोचोगे एकदम हाई लोगे तो एकदम बढ़िया बन जाएगा, ऐसा कुछ कंसेप्ट होता नहीं है। आप लोग ऐसी मॉक टेस्ट दो जो कि ऑलमोस्ट एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, थोड़ी मॉडरेट और लेंदी। तो उसके हिसाब से मुझे टेस्ट बुक काफ़ी बढ़िया लगा है। बाकी उनका जो एग्ज़ाम एनालिसिस भी वो भी काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चंस भी थोड़े डिसेंट लगे मुझे। मेरी कोई सोच रहा है परचेस करने का मॉक टेस्ट, तो वो टेस्ट बुक को परचेस कर सकता है। और उनकी ईयरली पास जो है उस पर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड नितिन ऐड कर देना, आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। बाकी लास्ट में एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो जम के मेहनत करो, सिलेक्शन लो। वीडियो सही लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर IBPS क्लर्क मेंस एंड IBPS PO मेंस। जय श्री राम।